نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل وقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم 125 से हमने शुरू करना है लेकिन 124 का सिर्फ ट्रांसलेशन मैं रिपीट कर देती हूं क्योंकि इसके अंदर एक डायलॉग नहीं है बल्कि तीन चार डायलॉग्स इसके अंदर शामिल हैं इस एक आयत के अंदर तीन चार जुमले हैं व इजब तला इब्राहिम और जब हमने इब्राहिम और जब आजमाया इब्राहिम को रब्बू उसके रब ने और जब इब्राहिम के रब ने इब्राहिम को आजमाया बेकलिंग कुछ कलमों के साथ मतलब कुछ बातें कहकर कुछ बातें उनसे कही कुछ डिमांड्स उनसे की तो उन्होंने उनको पूरा कर दिया हजरत इब्राहिम ने कौला यानी अल्लाह ताला ने अब फरमाया अब अल्लाह ताला खुश हैं उनसे और अल्लाह ताला तुन इनाम दे रहे हैं तो कह रहे हैं इन्नी इन जायलनासी इमामन बेशक मैं आपको लोगों का इमाम बनाने लगा हूँ ये मैं आपको तोहफा दे रहा हूँ रिवॉर्ड दे रहा हूँ इस दुनिया में तो हज़रत इब्राहिम ने जवाब दिया कॉला हजरत इब्राहिम कह रहे हैं मिन और मेरी औलाद में से यानी मेरी औलाद का क्या मेरी औलाद को आप क्या रिवॉर्ड देंगे तो अल्लाह ताला कहते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं ला या नदेमी जालिमों के साथ मेरा कोई वादा नहीं है मतलब अल्लाह तह रहे हैं कि जो आपकी औलाद में से नेक लोग हैं उन्हें मैं नवाजूंगा उन्हें भी मैं तोहफा दूंगा उन्हें भी मैं जो बेसिकली जिसका जैसा अमल होगा उसको अजर दूंगा लेकिन जो जालिम होंगे आपकी औलाद से तो उनके मेरी तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं उनको मैं कुछ नहीं दूंगा तो ये डायलॉग इसके अंदर है इस आयत के अंदर अलबैता अब यहीं से आगे बात कंटिन्यू हो रही है और जब बनाया हमने अलबैता घर को मतलब बैतुल्ला को लाम साथ किसी खास घर की बात हो रही है तो अल्लाह के घर को मसाबतन मसाबा कहते हैं लौटने की जगह ऐसी जगह जहां पर बार बार वापस आया जाता है लोगों के लिए और जब हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए लौटने की जगह बना दिया व अमन और अमन की जगह बना दिया तो बैतुल्ला को अल्लाह ताला ने यह स्टेटस दिया कि यहाँ पर बार बार लोग आए क्या करने के लिए लोग आए इबादत करने के लिए आए नमाज पढ़ने के लिए आए तवाफ करने के लिए आए उमरा जो होता है ना ये सई जिसे क्या कहा जाता है सई कहाँ होती है सफ़ा और मरबा के दरमियान सफ़ा और मरवा जो पहाड़ियां है ना ये असल में बैतुल्ला से बाहर हैं ठीक है ये बैतुल्ला का हिस्सा नहीं है अब तो अब तो बैतुल्ला को तो इतनी दे दी ना वसत इतनी दे दी है एक्सपेंड इतना कर दिया है कि वो अंदर ही शामिल हो गई है लेकिन ओरिजिनली सफ़ा और मरवा अलग चीज थी जहां पे हजरत हाजरा भागी थी और वहां से फिर जमजम का पानी भी निकला था और उन्हीं सफ़ा और मरवा के दरमियान के चक्करों को फिर सही सही एक इबादत बन गई वो वो एक अलग से इबादत है ये हो रही है बात फिलहाल जहाँ पर बैतुल्ला के स्ट्रक्चर की तो बैतुल्ला जो है काबा खड़ा है काबा में नमाज और तवाफ ठीक है ये दो चीजें प्राइमेली ये इबादत है व इस जालनल बही और जब हमने बना दिया अल्लाह घर को लौटने की जगह लोगों के लिए और अमन की जगह यहाँ पे अमन होगा हरम बना दिया अल्लाह ताला ने काबा को और दो हरमैन है हमें पता है हरमैन का मतलब ही होता है दो हरम एक आ, मदीना और मक्का ये सिर्फ मस्जिद हरम नहीं है बल्कि मस्जिद के इर्द गिर्द का काफी इलाका मक्का भी मदीना भी ये पूरे पूरे हरम है इनकी बाकायदा डिमार्केशन है देखे शहर तो बड़े होते रहते हैं शहरों का साइज बढ़ता रहता है जैसे जैसे आबादी ज्यादा होती है मजीद ज़मीनें ऐड हो जाती हैं हम देखते हैं इधर पाकिस्तान वगैरह में भी कितने आ, हमारे शहर बड़े बड़े इस्लामाबाद कितना बाहर तक फैल गया तो इसी तरह मक्का मदीना के साथ भी हुआ है लेकिन ऑलरेडी डिमार्केशन जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से हुई हुई है कि ये मक्का और ये मदीना है और उसमें सिर्फ मस्जिदें शामिल नहीं होती बल्कि मस्जिद से काफी बाहर का इलाका भी इसमें हरम में शामिल हो जाता है हरम क्या होता है जहाँ पर अमन रहेगा ठीक है अमन की जो जगह है वो हरम है हरम मतलब हुरमत वाली जगह इज्जत वाली जगह इज्जत वाली जगह पे अमन रखा जाता है और हरम का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पे कुछ काम करने हराम हो जाएंगे क्यों क्योंकि वो अमन वाली जगह है वहां पे बहुत सारे ऐसे काम भी हराम हो जाएंगे जो तो बाकी दुनिया में जगह पे करना आ, हलाल है फॉर एग्जाम्पल जहां पर इसल लेकर पाकिस्तान में लाइसेंस के साथ इसल आप रख सकते हैं वेपन्स रख सकते हैं लेकिन सऊदी इधर मक्का और हरम में बेसिकली इसलह लेकर आप चल फिर नहीं सकते जैसे यहाँ पर बॉडी गार्ड होते हैं इस तरह लोगों ने असला रखा होता है वहां पे अलाउड नहीं है हरम की ये कंडीशन है के जमाने से ही असल ओपनली लेके हरम में नहीं फिरा जा सकता हाँ अभी ये जो पुलिस होती है आप देखते हैं मक्का में जो पुलिस खड़ी होती है बैतुल्ला में उसके पास असल होता है वो अब सिक्योरिटी के लिए है बेसिकली एक्सेप्शन जो है एक्सेप्शन अलाउड होती है एक्सेप्शन के अलावा जायज नहीं है इसके अलावा वहां पर कोई शिकार नहीं कर सकते शिकार नहीं कर सकते जानवरों का मतलब ये कि जानवर भी वहां पे अमन में है उन्हें भी किसी चीज का डर और खौफ नहीं है कि उन्हें खा लिया जाएगा फिर बिला वजह दरख्त नहीं काट सकते वहां पर किसी किस्म का कोई दरख्त जो है झाड़ियां वगैरह वो नहीं काट सकते और वो भी क्या है वो दरख्त भी अमन में है वहां पे कि उन्हें भी कोई नहीं काटेगा और एक झाड़ी थी ऐसी जिसका नाम मेरे जहन से निकल गया जो हजरत अब्बास अलैहि वसल्लम के जो चचा थे रजीलाना उन्होंने इजाजत ली थी कि यार रसोल्ला इसको काटने की प्लीज इजाजत दे दे इसकी हमें जरूरत होती है इसको हमने इस्तेमाल करना होता है वो जड़ी बूटी को इस्तेमाल करते थे लोग तो उसकी इजाजत ने दे दी थी कि ये काट ली जाएगी मक्का मदीना दोनों हरम की बात हो रही है ठीक है तो बाकी कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा हाँ अभी डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन होती है जब कंस्ट्रक्शन होती है तो दरख्त कोई बीच में आए तो उनको काटा जा सकता है मैंने बताया कि एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है लेकिन ओवरऑल रूल्स ये हैं अब पाकिस्तान में अब हम यहाँ बैठे हैं तो यहाँ पे दरख्त काटने का कोई मसला तो नहीं है ना लेकिन वहां पर अल्लाह ने उसको वो हरम है तो हराम कर दिया ठीक है तो इस तरह और भी जंग नहीं हो सकती जैसे हुरमत वाले महीनों में जंगे नहीं होती ना चार महीने वाले उनमें जंग नहीं हो सकती इसी तरह हरम में जंग नहीं हो सकती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि जब फतह मक्का हुआ है तो अल्लाह ताला ने चंद घड़ियों के लिए हरम में ये जंग को जायज कर दिया था अदरवाइज वहां पे जंग जायज़ नहीं है वैसे फतह मक्का पर ऐसा कोई जंग नहीं हुई थी बल्कि थोड़ी बहुत झड़प हुई थी मक्का के अंदर बैतुलल्लाह के अंदर झड़ाप हुई थी थोड़ी बहुत और कुछ लोग ऐसे थे जिनको के बताइदा देखकर कत्ल करने का हुक्म था उनमें से एक शख्स ने काबा का गिलाफ भी पकड़ा हुआ था उसको भी वहां पे भी इवन कत्ल कर दिया गया तो ये कर, चंद घड़ियों के लिए अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी थी अदरवाइज हराम में ऐसा कुछ नहीं होगा अब हराम में आ, 1970s में भी ऐसा हुआ था जब अब्बूजी उधर ही थे उर्बा तो 1979-78 में जब एक शख्स ने वहां पे कहा था ना जाके कि मैं मेहदी हूँ महदी हूँ और उस वक्त इतनी सिक्योरिटी सख्त नहीं होती थी जाहिर सी बात है जितनी अब सख्त है और इसकी तो वीडियोस भी मौजूद हैं इस बंदे का नाम भी आ, मेरे जहन से निकल गया इसका जीन्स है इसका नाम था पता नहीं जुर्मन के क्या कुछ इस तरह का डिफरेंट सा नाम था इस बंदे का लेकिन नाइनटीन की आप लिख कर नाइनटीन मेहदी और ये इमाम महदी और इधर मक्का वगैरह लिखे ना तो वो वीडियोस आ जाएंगी उसकी ब्लैक एंड वाइट की रिकॉर्डिंग्स आ जा जाएंगी बकायदा तो उसने जब ये डिक्लेरेशन की थी वहां पर जाकर और वो पूरा असलहा लेकर गया था अंदर और असलहे कैसे लेकर गए थे जैसे जनाजे नहीं लेकर जाते लाशें वकायदा उठा के तो जनादो में ना असलहा ऐसे बीच में छुपा के ऐसा कितनी चेकिंग नहीं होती थी वो ले गए अंदर और ऐसे जितने अंदर लोग थे ना फजर का वक्त था ये नमाजी जितने थे तवाफ़ करने जितने लोग आए थे उन सबको ये गमाल बना लिया था एक तरह से पकड़ पकड़ लिया था ना इसल था हालांकि में असल जायज़ नहीं ये मैं आपको बता रही थी तो उसने इस तरह किया था और फिर उसने वहां पे माइक्रोफोन लेकर ऐलान किया था जी मैं इमाम मेहदी हूँ और मेरे हाथ पे बैठ कीजिए इस तरह की बहुत सारी चीज है और उस वक्त फिर ये सऊदी गवर्नमेंट को समझ नहीं आई थी कि वो क्या करें इवन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे कि ये वाकई इमाम मेहदी तो नहीं है बहुत सारे स्कॉलर्स वगैरह भी कंफ्यूज हो गए थे बकायदा इसने ना प्लानिंग इस तरह से की थी सारी अहदीस को भी एक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन खैर इसको अल्टीमेटली जाहिर है वहां पे थोड़ी बहुत फिर हराम है वो लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत झड़प हुई थी इनको पकड़ने के लिए इसके पूरे लोगों को पकड़ने के लिए कि वो लोग असलाह ना इस्तेमाल करें इस तरह की चीजें और अल्टीमेटली पाकिस्तान की भी आर्मी गई थी वहां पर और ये कहा जाता है पता नहीं सच्चाई क्या है मुझे नहीं पता शायद का बहुत ज्यादा रिसर्च करें तो हमें ज्यादा सही पता चल जाए लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो आर्मी वगैरह गई थी ना तो ये मुशरफ के जमाने की बात है तो उस वक्त वो आर्मी चीफ था तो उसने ये मशवरा दिया था पाकिस्तानियों ने कि हरम में ना पानी भर दें जब पानी भर जाएगा ना तो ये लोग कितने देर वहां पे स्टे कर लेंगे ज्यादातर लोगों को तो इन्होंने ऐसे ही बाहर ना निकाल दिया था रखा नहीं था ज्यादा लोगों को खुद रह गए थे ये लोग जितने भी इसके अपने बंदे और ये खुद था ना ये रह गए थे तो उन्होंने गवर्नमेंट ने पीछे से ना हरम में पानी भर दिया था तो अल्टीमेटली फिर ये लोग पकड़े गए थे इस तरह इनको पकड़ा था इनको इस काबिल नहीं छोड़ा कि ये लोग कुछ कर सके अल्टीमेटली पकड़े गए और इस बंदे को जुर्मन के पता नहीं क्या इसका नाम था इसको फांसी हुई थी ना वहां पे मक्का में ही हरम से पैर फिर इसको फांसी दी गई थी तो अल्टीमेटली पता चल गया था ये यसली मा मेहदी है, है तो ये सारी इस तरह के वाक्यात ये सिर्फ ये एक वाक्या नहीं है जैसे हजर असवद की भी मैंने स्टोरी सुनाई थी जब सीरत पढ़ी थी हजर असवद भी चोरी हो गया था निक, निकाल कर ले गए थे यहाँ से तो ये सारा कुछ अब ये हरम में जाहिर है चोरी भी नहीं हो सकती हर कोई अमन में है इंसान भी अमन में है ये हजर असवद भी अमन में ही था कि उसको कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन उसको चोरी करके ले गए Uh, कौन से कोद के कतर था वहां पे ले गए तो इस तरह की चीजें भी होती रही हैं और उसको फिर वहां से पीसीस में हो गया टूट गया ये सारा कुछ तो ऐसी चीजें भी अलबत् होती रही हैं और आगे जाके भी फ्यूचर प्रडिक्शन जो एंड ऑफ टाइम्स की है उसमें भी ये प्रडिक्शन है कि ऐसा कुछ होगा दोबारा से होगा और अल्टीमेटली जब क्यामत का वक्त आना होगा ना उससे पहले दोबारा से ऐसा कुछ होगा फिर वह इस जालनल बैता मसाबत नासी व अमन तो इस तरह ये हरम क्या है अमन की जगह है। और हमारे दो हरम है लेकिन हमारी तीन मुकदस जगह है अजि बारक ना हवला हो अल्लाह ने किस जमीन के वो बरकत वाला भी बनाया है वो बैतुल बैतुलमकद है बैतुल बैतलमस यानी मस्जिद अकसा फिर मस्जिद नबवी और मस्जिद ये तीन प्लेसेस जो है दे आर मुकदस जगह हॉली है। प्लेसेस हैं इस्लाम की लेकिन हरम सिर्फ दो ही हैं मक्का मदीना तो में मकाम इब्राहिमा मुसल और बनाओ इब्राहिम मकाम इब्राहिम को मुसल्ह अब ये हुक्म दिया जा रहा है ऊपर अल्लाह बता रहे हैं कि बना दिया बैतल्ला को मसाबा लौटने की जगह अमन वाली जगह और अब हमें कह रहे हैं कि वहाँ पे जो मकाम इब्राहिम है उसको तुमने मुसल्ला बनाना है तो इसके बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह तरमाते हैं ना कि आ, मेरी ख्वाहिश थी कि इस तरह मकाम मुसल्ह जो है वो Uh, मकामी इब्राहिम जो है वो मुसल्ला बन जाए मुसल्ला कहते हैं नमाज पढ़ने की जगह स्पेशल नमाज पढ़ने के लिए ना डेजिग्नेट हो जाए ये जगह तो वो कहते हैं कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी तो अल्लाह ताला ने अः उसी से रिलेटेड फिर ये आयत नाजिल कर दी तो मकामी इब्राहिम कौन सा मकाम है वो जगह पर जहाँ पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम ने काबा की तमीर की थी अभी वैसे काबा को देखे और मकामी इब्राहिम को देखें तो बड़ा डिस्टेंस है वहां खड़े होके ऐसे हाथ करके कैसे बनाया अभी समझ नहीं आती लेकिन ये आप लोगों को पता है सीरत में मैंने बताया था कि काबा जो है अब है जब इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी तो वो रेक्टेंगल था हजरत इब्राहिम ने जब बनाया था, था तो रेक्टेंगल था और रेक्टेंगल से फिर आहिस्ता आहिस्ता स्क्र स्क्वेयर सबसे पहले कब हुआ था जब ये कुरैश ने पैसा वगैरह जमा किया जब काबा जो है वो सैलाब भी बहुत दफा आया सैलाब आकर ढह भी गई है ये अमारत गिरी भी है बहुत दफा स्पेशली पुराने जमानों में क्योंकि पुराने जमानों में स्ट्रक्चर इतने मजबूत नहीं होते थे ना तो ऐसा भी होता रहा है पास में ये हिस्ट्री में हमने पढ़ा था सीरत में तो जब कुरैश के पास पैसे नहीं थे तो इन्होंने क्या किया हलाल पैसे नहीं थे बेसिकली पूरे हराम के तो थे तो हलाल पैसा जितना था ना उसके मुताबिक वो स्क्वायर ही बन रहा था उन्होंने स्क्वायर बना दिया और ये तय किया कि जब कभी हमारे पास मजीद पैसा आएगा ना हलाल का तो हम इसकी जो पुरानी बुनियादें थी ना जिन बुनियादों से हजरत इब्राहिम ने उठाया था उन बुनियादों पे हम दोबारा खड़ा कर देंगे अच्छा काबा के बारे में ये भी है कि दो राय एक ये कि हजरत इब्राहिम ने इसको बनाया था पहली दफा लेकिन दूसरी राय जो ज्यादा मजबूत है और ज्यादा मानी जाती है वो ये कि हज़रत आदम ने ही बनाया था काबा सबसे पहले उसकी बुनियादों से खड़ा किया था हजरत आदमी ने उसके बाद जैसे मैंने बताया सैलाब आ गया कोई ऐसा मसला हो गया अल्टीमेटली हजरत इब्राहिम के ज़माने में भी नहीं था तो दोबारा खड़ा किया गया मतलब हजरत आदम के ज़माने से कोई तो मस्जिद होनी थी ना कहा इबादत उन्होंने उन सब ने कहा करनी थी इतनी नस्लें गुजरी तो उन सब के लिए भी बैतुल्ला ही इबादत की जगह थी तो अल्टीमेटली हजरत इब्राहिम यहाँ पर अलबत् हज़रत इब्राहिम की स्टोरी आएगी और उनके काबा बनाने की बात आएगी तो वो अगर रेक्टेंगल बने ना तब मकाम इब्राहिम फिर थोड़ा करीब हो जाता है काबा के तो इस तरह मकाम इब्राहिम पाव रख कर जिस इंटे रखी होंगी ईंटे रख के ऊपर खड़े होकर उसकी बिल्डिंग को ऊंचा किया होगा जितना भी ऊंचा करने की जरूरत होगी डेफिनेटली अब ज्यादा ऊंचा है हज़रत इब्राहिम के जमाने में इतना ऊंचा नहीं होगा और ये जो पैरों के निशान अभी हमें वो गोल्डन से स्ट्रक्चर में नजर आते हैं मकाम इब्राहिम में वो असल में हजरत इब्राहिम के निशान नहीं है ठीक है वो उसके अंदर झांको ना इवन आप अगर किसी ने देखा नहीं तो इंटरनेट पे भी देख लें वो गोल्डन सा स्ट्रक्चर उसमें दो पैरों के वो निशान से वैसे ही वो बनाए हुए एज अ साइन बनाया में ठीक है जो हजरत इब्राहिम आसलाम के पैरों के निशान है ना वो उसके अंदर है उसके नीचे नीचे कर दिए गए हैं और ऊपर उसको कवर कर दिया गया है वो गोल्डन सा ऊपर स्ट्रक्चर बना के उस पर वैसे सिंबल निशान से बनाया हमें ठीक है तो ये भी हमें पता होना चाहिए और उसको अब बाकायदा वो पूरा कवर शवर कर दिया गया है ताकि बार बार लोग टच ना करें और इस तरह टच करके बरकत हासिल करने की ऐसी कोशिश करते हैं ना लोग तो ऐसे काम ना किए जाए तो वो क्या है वो मुकाम इब्राहिम है तो मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बना दिया गया मतलब कि वहां पर नमाज पढ़ने का स्वबा एक्स्ट्रा है स्वाब ज्यादा है वाहिद ना इला इब्राहिमा व इसमाइल और अहद लिया हमने इब्राहिम से और इस्माईल से दोनों से दोनों से इन दोनों से क्यों अहद लिया क्योंकि एक तो हज़रत इब्राहिम के यही बेटे थे उस वक्त और ये बड़े बेटे हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहिम के बड़े बेटे और हज़रत इन दोनों को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बैतल्ला बनाए सिंस तमीर इन दोनों ने की थी मिलकर तो अब उन्हीं से अल्लाह तह अहद ले रहे हैं कि वो क्या करेंगे के वो पाक साफ रखें बैतिया मेरे घर को एहतकाफ करने वालों के लिए वाल एहतकाफ क्या होता है एतकाफ होता है खुद को वक्फ कर देना कुछ आ, पर्टिकुलर वक्त के लिए खास वक्त के लिए अल्लाह के लिए अल्लाह के लिए कुछ खास वक्त के लिए अपने आप को वक्फ कर देना इसको कहते हैं एहतकाफ ठीक है और आ, बेसिक मतलब इसमें पांच मिनट भी हो सकते हैं जैसे मैं नियत कर लूँ कि ये पांच मिनट मैंने अल्लाह का जिक्र ही करना है तो ये मैंने ये मैंने अहतकाफ़ की नियत कर ली ये नफली एहतिकाफ हो गया ठीक है और अहतकाफ़ इतक, की फिर अलग से डेफिनेटली ज्यादा अजर ज्यादा है कि मैं इस टाइम में अब कुछ और नहीं करूंगी दुनिया का कोई काम नहीं करूंगी चाहे वो पाँच मिनट ही है और सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगी ये सिर्फ नीयत करने का फिर देखे कितना अल्लाह के लिए कितना सवाब मिल जाता है ये नफली हो गया आपको सुनत अहतकाफ़ पता ही है रमज़ान के आखिरी अशरे में आखिरी दस दिन का जो अहतकाफ़ होता है सुन्नत की नीयत से जो किया जाता है वो सुनत अहतकाफ़ है लेकिन वैसे अहतकाफ़ नफली भी किया जा सकता है और मस्जिदों में मेनली बेसिकली एतक मस्जिद में होता है तो काबा बैतुल्ला में अल्लाह ताला कह रहे हैं तवाफ करेंगे लोग एहतक करेंगे और व रुक का इस सुजूद और रुकू और सजदा करने वालों के लिए रुकू सजदा रुकू सजदे का मतलब नमाज पढ़ने वाले तो इन लोगों के लिए मेरे घर को क्या करो साफ रखो पाक साफ रखो तो अल्लाह के घरों का यहाँ पे अब हमें पता चल रहा है बैतुल्ला और फिर अल्लाह की कोई भी मस्जिद हो उन सबको पाक साफ रखना चाहिए हम खुद जाते हैं कभी मोटरवे वगैरह पे जाते हैं छोट छोटी छोटी मस्जिदें होती हैं या इर्द गिर्द पार्क में छोटी मस्जिदें होती हैं मॉल्स में होती हैं छोटी मस्जिदें तो उनको हमें देख लेना चाहिए कि वहां पे कोई कुछ गिरा तो नहीं हुआ कोई ऐसे वैसे तो सफाई करने के लिए उन्होंने रखे होते हैं वहाँ मुलाजिम होते हैं लेकिन कभी सिर्फ इस आयत पर अमल करने के लिए कोई अः मौका देख लेना चाहिए कि अगर कोई जरूरत है सफाई की वैसे टिश्यू से बंदा विंडो साफ कर दे राख साफ कर दे किताबें सही से एडजस्ट कर दे ये मोटर वगैरह की जो होती है ना मस्जिद में तो जरूरत होती है वैसे अक्सर तो इस तरह का कोई ना कोई काम कर दे बल्कि यहाँ पे लाहौर में जब मैंने ये आयत पढ़ी थी ना उस वक्त मैं ये पढ़ रही थी स्टूडेंट थी आप लोगों की तरह और ये आयत पढ़ ली थी ना तो मैं मेरी कोशिश होती है कि हर आयत पे अमल तो हो हर आयत पे अल्लाह ताला तौफीक दें कि हम अमल जरूर करें तो ये लाहौर में है ना राना रिजोर्ट वो ना ओपन जगह है और ओपन वहां पे सारी ये झूले और इस तरह की चीजें वहां पर मस्जिद थी छोटी सी ओपन थी बिल्कुल वो उसके काफी उसमें पत्ते शत्ते मट्टी वट्टी गिरी हुई थी और उसमें उधर ना झाड़ू भी पड़ा था तो वो फिर मैंने भी उसकी सफाई की मैं दोनों बच्चों को भी लगाया साथ तुम दोनों भी सफाई करो तुम दोनों को भी सवाब मिले उनको मैंने बताया कि यह हजरत इब्राहिम और हजरत की सुन्नत है और बेसिकली अल्लाह के मेहमान है ना जो वहां पर आएंगे तो अल्लाह ताला के मेहमानों के लिए अल्लाह ताला के घर को तैयार रखना साफ सुथरा रखना यह सुन्नत इब्राहिमी और हमें भी जहां मौका मिले इस पे अमल जरूर करना चाहिए और इससे हमें पता चल रहा है कि मेहमानों का ख्याल करने का भी पता चल रहा है इवन हमारे घर में भी अगर मेहमान आते तो उनके लिए सफाई सुथराई रखना घर के अंदर उनके साथ उनको ताजीम देना इज्जत देना उन्हें अच्छे तरीके से पेश करना हजरत इब्राहिम का वाक्य आता है ना कि जब फरिश्ते जब आए थे मेहमान बनकर उनके पास उन्हें तो उस वक्त तो नहीं पता था फरिश्ते हैं पर जैसे मेहमान आए हैं तो स्टोरी में क्या आता है हजरत इब्राहिम फौरन गए हैं उनके खाने का इंतजाम करने ये नहीं पूछा नहीं कि अच्छा आप भूखे हैं आप खाएंगे आप ये वो फौरन उठे और उनके लिए खाने का इंतजाम किया पूरा बकरा पका भी लिया उन्होंने और वो लेकर आके उनके सामने रख दिया लेकिन वो खा नहीं रहे थे तो उन्हें फिर पता चल गया कि ये कुछ और ही सीन है कुछ और चक्कर है लेकिन यानी मेहमानों की कभी, कभी कभी हम तंग आने लग जाते हैं ना कि क्या है या मेहमान आगे इनका ये करना पड़ेगा वो करना इस तरह की चीजें तो लेकिन इस इसकी रिवायतें हमें कि ये व सुन्नत से कुरान सुन्नत से मिलती हैं व इस कौला इब्राहिम और जब कहा इब्राहिम ने अब ये बातचीत कहाँ पर हो रही है जब बैतुल्ला की तामीर हो रही है वहां पर हजरत इब्राहिम क्या फरमा रहे हैं रब 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 अल हाजा ए ए मेरे रब, रबी, ए मेरे बाकी नीचे जेर है ना तो वैसे मतलब ये कि था असल में रबी था उसको शॉर्ट करके लिखा गया रबी ए मेरे रब अल्लाह को पुकारने के लिए अः रबी से जुमला स्टार्ट हो रहा है रबी हो या अल्ला हो या रबा ना हो उसमें ए का वर्ड फिर ऐड हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर हम अल्लाह को पुकार रहे हैं रब जाल, ए मेरे रब इजाल, बना दे इजाल क्या है इजाल असल में फेले अमर, ही है। फेले अमर के तीन यूजेस होते हैं मेरे ख्याल में मैंने आपको पहले भी बताया होगा तीन यूजेस तीन इस्तेमाल क्या है फेले अमर के नंबर वन हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है ठीक है किसी को मैंने मैंने अब आपको हुक्म देना है कि जी अः इस घर को अमन वाला बना दो तो मैं आपसे क्या कहूंगी इज अल हाजा बना दे ये बनाओ इस घर को ना और अगर हमने रिक्वेस्ट करनी है दरख्वास्त करनी है किसी से मैंने आपसे रिक्वेस्ट करनी है तब भी मैं पहले अमर यूज करूंगी तीसरा इस्तेमाल क्या है दुआ करना जब दुआ करनी है तो दुआ भी फेले अमर में ही की जाती है तो यहाँ पर बेसिकली ये दुआ की जा रही है फेले अमर इस्तेमाल करके रब जल ए मेरे रब बना दे इस घर को हाजा बलादन इस शहर को आमिनन अमन वाला तो ये हजरत इब्राहिम की दुआ थी ऊपर अल्लाह ताला ने पहले ही क्या बता दिया यहाँ पर देखें वाली जगह बनाया है ये हजरत इब्राहिम की असल में दुआ थी जिस दुआ को अल्लाह ताला ने सुना और कबूल किया और उसको हरम बना दिया तो इसी दुआ की बेसिस पर फिर आप वसल्लम ने भी दुआ की थी ना मदीना के लिए मदीना को भी अमन वाली जगह बना दे हरम बना दे और मदीना में उससे भी ज्यादा बरकतें दे दे मक्का से भी ज्यादा बरकतें दे दे तो मदीना को अल्लाह तरकत वाली जगह और अमन वाली जगह और हरम आप की दुआ पर बनाया और मक्का को हजरत इब्राहिम की दुआ पर बनाया तो अमन की जगह और आपको पता है मक्का पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था जब जब ये आए हजरत इसमाही छोटे से थे उनकी वालदा हाजरा के साथ और फिर पानी निकल आया तो पुराने जमानों में क्या होता था जहाँ पे पानी निकल आता था वहां पे तहजीबें सिविलाइजेशंस बस जाती थी आबाद हो जाती थी कबीले बस जाते थे तो एक कबीला कबीला जुरमन था ना या अल्लाह तो जुर्म था क्या था यार इसका नाम है मिक्स हो गया सीरत की बस लेक्चर्स आप लोग तो खुद ही सुन लीजिएगा तो वो जो कबीला था वो आके बस किया है और फिर अगली क्लास में से मैं आपको कंफर्म करूंगी देख के तो वो बसा और वहां पर फिर शहर बन गया आहिस्ता आिस्ता मक्का शहर बन गया अब हज़रत इब्राहिम वापस आ गए हैं कब वापस आए गए जब हजरत इसमाइल बड़े हो गए हैं टीन एज में अभी ग्यारह बारह साल के कुछ इस तरह एज है उनकी तब हज़रत इब्राहिम अब हजरत इस्माइल के पास है और दोनों आप घर बना रहे हैं और दोनों साथ साथ दुआ कर रहे हैं यहाँ से हमें पत, ये भी पता चल रहा है कि जब हम नेक काम कर रहे होते हैं कोई भी तो उस वक्त दुआ करना करने से दुआएं कबूल होती हैं क्योंकि हम ऑलरेडी एक नेक काम कर रहे हैं अल्लाह को खुश करने वाला काम कर रहे हैं अब आप अम्मी को खुश करने वाला काम करें साथ साथ उस वक्त अम्मी से फरमाइश करें ना तो अम्मी फौरन बात मान लेंगी तो ये वाला सीन है असल में तो नेक काम हम भी कोई भी नेक काम जब भी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप किसी बीमार को मिलने के लिए जा रहे हैं बीमार को मिलने के लिए जा रहे हैं अब जा रहे हैं तो आप रस्ते में फिर दुआएं करते जाएं अब अल्लाह ताला उस वक्त खुश हैं आपसे तो अल्लाह ताला खुश हैं तो आप एक अल्लाह की खुशी वाला काम करें तो साथ अल्लाह से मांगते भी जाएं दुआएं भी करते जाएं तो ये अच्छे कामों के साथ ना दुआओं को जोड़ लेना ये काम हमने करना है और ये ये बात हमने याद रखनी है हजरत इब्राहिम से हम सीखते हैं तो ये दुआ मांगी और दुआ क्या मांग रहे हैं वर्जोक और रिस्क दे इसके रहने वालों को मिनत समराती फलों में से मन आमन बिल्लाउमिल आखिर जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर इनमें से अल्लाह पर और आखरत ईमान वाले लोग हैं ना मक्का में रहने वालों में जो ईमान वाले लोग हैं मुसलमान है बेसिकली उनको या अल्लाह तो रिस्क दे फलों में से रिस्क का फरमा तो मक्का क्या था डेजर्ट है सहरा है खाली जगह अब वहां पर अल्लाह ताला ने फिर हजरत इब्राहिम ने जब दुआ किए तो अल्लाह ताला ने वहां पर रिस्क भी पैदा किया खजूरें वगैरह ही होती हैं वहां पे लेकिन बेसिकली तिजारत अल्लाह ताला, ताला ने वहां पे इनको आइडिया दिया इनकी आगे नस्लों को के तजारत करें ये लोग तो तिजारत का सिलसिला वहां पर फिर अल्लाह ताला, ताला ने जारी किया और हजरत इब्राहिम किसके लिए दुआ मांग रहे कह रहे हैं कि जो मुसलमान है ना उनको या अल्लाह तो रिस्क दे तो उनको भी ऊपर पता चल गया था अल्लाह ताला ने ऊपर क्या कहा था ये क्या कहता कोई वादा नहीं है तो हजरत इब्राहिम को पता चल गयािमो के लिए दुआ नहीं मांगनी तो वो क्या कह रहे हैं और फरमायाब्राहिम ही कह रहे हैं है, क्या कह रहे हैं वमन काफरत और जो कोई कुफर करेगा ना यानी जो मुसलमान नहीं है अल्लाह और आखरत पर ई माननी है खलीलन तो उनको भी फायदा दे थोड़ा सा फा, तो दुनिया का फायदा का का क्या है वो है थोड़ा सा ही अलबत् दुनिया में रिस्क वगैरह जो भी है ये देना तो अल्लाह तला फरमारे की जो कुफर करेंगे उनको भी मैं रिस्क दूंगा लेकिन थोड़ा सुम्मा अस्तर रूहू फिर मैं मजबूर कर दूंगा उसको इला अजाब, नार। अजाब, की की अजाब की तरफ तो इसका यह मतलब नहीं है कि से थोड़ा उन्हें रिस्क बल्कि बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स को हम देखते हैं कि उन्हें बहुत बहुत अल्लाह ने दुनिया में नवाजा हुआ है लेकिन दुनिया का जो नवाजना है ना वो असल में थोड़ा है असल में उसकी वैल्यू नहीं है इन कम्पेरिजन टू आखरत में नवाजे जाना आखरत में अः रिस्क मिलना जन्नत मिलना आखरत में रिवॉर्ड मिलना अजर मिलना ठीक है उसके मुकाबले में ये मत कलील है ये अल्लाह ताला बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारी औलाद में से हजरत इब्राहिम की औलाद में से जो काफिर होंगे उन्हें भी अल्लाह ताला देंगे लेकिन थोड़ा फिर अल्टीमेटली उन्हें का अजाब देखना पड़ेगा मसीर और कितनी बुरी है ये लौटने की जगह यानी अल्लाह ताला ने ऊपर जो हज़रत इब्राहिम ने ये दुआ मांगी वखिर तक ताला ने दुआ कबूल की और नीचे ताला ने खुद ही बता दिया कि काफिरों के लिए ये नहीं है वह इसम और जब रफा उठा रहे थे बुलंद कर रहे थे इब्राहिम अल्कवादा फाउंडेशन को बुनियादों को मिनल बी थी घर की घर की बुनियादों को जब ऊंचा कर रहे थे बुनियादे जमीन के अंदर होती है ना तो उन्ही जमीन के अंदर की बुनियादों से ऊपर घर उठा रहे थे तो इससे भी स्कॉलर्स कहते हैं कि जो बुनियादें थी वो किसने रखी थी हजरत आदम ने रखी थी, थी। तो वह इसमाइलू और इस्माइल भी इब्राहिम और इस्माइल दोनों मिलकर बेतुल्ला की तामीर कर रहे थे रबा नकबल मन्ना साथ साथ वो क्या कर रहे थे दुआ कर रहे थे जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया अमल करना है नेक अमल के साथ दुआएं करनी है लेकिन यहाँ खास दुआ क्या हो रही है रबा ना तकबल मन्ना ऐ हमारे रब इसको हमसे कबूल फरमा हालांकि वो जो अमल कर रहे थे वो भी अल्लाह के हुक्म पे कर रहे थे और जो अमल कर रहे थे वो अल्लाह का पसंदीदा भी है और जो अमल है वो ऑलरेडी इन्हें पता है कि अल्लाह ताला कबूल करेंगे और अल्लाह ताला उसका रिवॉर्ड देंगे लेकिन फिर भी उसके लिए दुआ मांग रहे हैं ठीक है और दुआ मांग कर इन्ना का अंतर सबीर बेशक तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है मतलब ये कि अल्लाह ताला से अमल करने के बाद जैसे सोतुल्फात तो हम पढ़ते हैं उसके बाद फिर हम आमीन कहते हैं कि या अल्लाह तो इसको तो में जो मैंने दुआ पढ़ी है उसको या अल्लाह तू कबूल भी फरमा आमीन का भी क्या मतलब होता है कि इसको कबूल फरमा यानी दुआ मांग कर हम दोबारा एंड में दुआ ही मांग रहे होते हैं कि मेरी दुआ कबूल भी हो जाए ठीक है तो यहाँ पर भी क्या कहा जा रहा है कि मेरा जो नेक अमल है वो कबूल भी हो जाए क्योंकि नेक अमल करते हुए भी क्या हो सकता है गलतियां हो सकती हैं इंसान से कोई ऊंच नीच हो सकती है कोई उनको हो सकता है उनके जहन में हो कि हम इससे भी अच्छी ईंटें लगा सकते थे या और अच्छे तरीके से काम हो सकता था तो अल्लाह ताला गलतियों को भुला दे और गलतियों को इग्नोर कर दे और हमारे नेक काम को कबूल कर ले रब्बना तक्बल मिनना इन्नका अंता समीउल ललीम हमें हर वक्त वैसे ये दुआ मांगनी चाहिए जितने भी हम आमाल करते हैं ना हमारे आमाल में इतनी कमी होती है और हमारे आमाल में नियत के भी कभी मसाइल हो जाते हैं कभी अः काम करने में भी मसला हो जाता है ख्याल हमारा कहीं और होता है वगैरह बहुत सारे हमारे तो आजकल इश्यूज चल रहे होते हैं तो हमें तो बकायदा ये दुआ जरूर हर नकमल के बाद ना ये दुआ जरूर मांगनी चाहिए कि अल्लाह तला हमारे अमाल ना जया ना हो जाए और अल्लाह तला इनको कबूल फरमाए ठीक है और इनका फिर अजर हमें जरूर दें ये छोटी सी दुआ है रब्बा ने तो कब्बल मिन्ना इन्ना का अंतस समील ललीम ये हमें दुआ जरूर आनी चाहिए आगे इन्शाल्लाह ये सारी हज़रत इब्राहीम सलाम की दुआएं आ रही हैं जो वो बेतुल्ला की तामीर करते हुए मांग रहे हैं इन्शाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे सुबहानकुल्लाहमवबिहम दीका नशा�